जब तक हम खुद को ये निश्चय करें, फैसला करें, मुझे जीवन में क्रोध रहित होना है, क्रोध मुक्त अवस्था के स्टेज को पहुंचना है, तो हम लोगों को एक बात बहुत गहरी से समझना है, क्रोध मेरे लिए क्या है, क्रोध मेरे लिए क्या है, डैश फिल इन द ब्लैंक्स, क्रोध क्या है मेरे लिए, हाँ आपके लिए क्रोध को क्या समझते हैं। भगवान ने एक महावाक्य सुंदर रूप से हम सबके आगे रखा है, क्रोध महाशत्रु, क्या है, क्रोध महाशत्रु, ऐसे भी नहीं बोला बाबा ने केवल शत्रु एनिमी, उसने बोला महाशत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन काम है, तो उसका पार्टनर कौन है, उसका फ्रेंड कौन है, क्रोध। जब तक जीवन में क्रोध होता है तब तक वो कभी भी आनंदित नहीं रह सकता है। क्रोध को इतना आसान नहीं समझो, हम क्रोध करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, जन्म जन्म कर्म के बंधन में बांध जाता है। आज के जीवन में आप अगर कोई भी व्यक्ति बंधन में है तो वो क्रोध के कारण में है। मैंने कई जेल में भी जाकर के कभी सर्विस किया था, तो वहां कईयों को शिविर कराते थे, तो वो लोग बोलते थे भाई साहब केवल एक ही मिनट मेरा बुद्धि मेरे कंट्रोल से छिने गया, सारा जिंदगी सजा हो रहे हैं, सारा जीवन हम दुख में है। एक मिनट मैंने अपने विवेक शक्ति को खो लिया। आज आप जो बातें हम समझाते हैं ना, वो बात हमें उस वक्त याद आते तो हम ऐसे जीवन में नहीं आते थे। बाबा ने हम पर कितना मेहरबान किया है, हमको उस गलत रास्तों से निकल के अपने दिल में समा लिया है, हम कितने भाग्यवान आत्मा है। मीठे भाई मीठे बहने, हमारे बाबा हमको कभी भी क्रोधी बच्चा कहते हुए मैंने कोई मुरली में नहीं पढ़ा, कहते मीठे बच्चे या मीठे बने कट्टे बने किसको मालूम है, फिर भी मीठे बच्चे बोलते बाबा। दुनिया में ऐसे कोई होता है जो रोज बिना भूल मीठे 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 आदि में मीठे लास्ट में मीठे मीठे सिखलाते बच्चे, कितना प्यारा बाबा है। इससे हमको पता चलता है भगवान का जादू, भगवान का मैजिक एक में होता है, वो मैजिक क्या है, मीठे बोल के मीठे बोल के मीठे बोल के मीठे बोल के पत्थर को खट्टा को भी मिठास बनाता है। अगर बाबा बच्चों को मीठा नहीं बोलता तो शायद हम यहां तक नहीं आता था। कितना सहन का सागर है वो। दुनिया में कोई भी टीचिंग करता है तो एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार उसके कैपेसिटी से 10 बार भी किसी को कुछ सिखाता है तो फिर एग्जॉस्ट हो जाता है, रेसिस्ट हो जाता है, फिर गर्म हो जाता है। लेकिन बाबा आपको 86 ईयर्स से ज्ञान दे रहा है और फिर भी कहते हैं बच्चे आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप भाग्यवान हैं। इसीलिए हमको ये ज्ञान क्या बना दिया, क्या बना दिया, कर्म योगी नहीं कि गर्म योगी, कर्म योगी या गर्म योगी, कर्म योगी बनना है या गर्म गर्म योगी बनना है। आज के दिन में एक शब्द सभी टेक्नोलॉजी में रहता है, हॉट न्यूज, हॉट स्पॉट, सब हॉट, लेकिन जीवन में हॉट नहीं होना है ना, जीवन में हॉट नहीं होना है। जो क्रोधी होता है उसका जीवन हमेशा